हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इन्फॉर्मेटिव मतलब कि जिन भाइयों ने अपनी कार में ओवरसाइज अलॉय डलवा रखे हैं, मतलब गाड़ी में टायर थोड़े बड़े डलवा रखे हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम आती होगी। जब भी वो गाड़ी में चार पाँच बंदे बैठते हैं तो गाड़ी टायर के साथ टच होने लग जाती है, जिससे टायर कट जाता है। तो वही सेम प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, तो उसके लिए मैं एक चीज़ लेके आया हूँ। सो गाइज, ये है शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग बफर। सो गाइज, ये स्प्रिंग बफर होते हैं, ये गाड़ी के स्प्रिंग में लग जाते हैं। ये देखो, ऐसे लगते हैं, ये कॉयल के अंदर डल जाते हैं। तो जब गाड़ी के स्प्रिंग अब्जॉर्ब होता है तो उसको उसका थोड़ा बाउंसीनेस कम कर देता है, तो जिससे गाड़ी फिर टच नहीं होती टायर के साथ, मतलब बाउंसीनेस गाड़ी का और बॉडी रोल ख़त्म कर देता है। ये है कुशन बफर, इसको ये गाड़ी के स्प्रिंग में लगते हैं। इस गाड़ी में उसको खोल के दिखाता हूं, पर ये गाड़ी के स्प्रिंग में लग जाता है। ये ऐसे लगता है, ये देखो ऐसे डल जाता है, और ये स्प्रिंग को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। ये सिर्फ एक ही कॉयल में लगता है, पूरे स्प्रिंग में नहीं लगता। इसको लगाने के बाद गाड़ी का बाउंसीनेस कम कर देता है। बाकी मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा, गाड़ी में लगवा के बताऊंगा कि कितना बाउंसीनेस कम होता है इसको लगाने से। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मेरे गाड़ी के टायर। गाइस ये देखो, मेरी गाड़ी टायर थोड़ा बॉडी से बाहर है, इसलिए ये यहाँ पे टच होती है। ये देखो, कट्स लगे हुए सारे टायर पे, तो ये टायर पूरा ख़राब हो जाता अगर मैं इसका इलाज नहीं करता। तो अभी गाड़ी में बाउंसीनेस बहुत ज़्यादा है, इसका गैप देखते हो, अभी इतना गैप है, ठीक है, अभी इतना गैप है। और इसको लगाने के बाद बताता हूँ मैं कि गाड़ी की हाइट कितनी इंक्रीज हुई, इसको लगाने के बाद गाड़ी में क्या फ़र्क पड़ता है, और कितना गाड़ी का बाउंसीनेस कम होता है, या गाड़ी की हाइट कितनी इंक्रीज होती है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी हम चलते हैं और इंस्टॉल करवाते हैं। तो तब तक के लिए, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में बेल आइकन को दबा दो, ताकि आप जब भी मैं चैनल पे नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो अब चलते हैं। सो गाइज, फाइनली मैं इंस्टॉल करवा लिए हैं। तो मैंने पूरा टेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे लग गए हैं कॉइल के अंदर, और टाई बेल्ट से अच्छे से इसको बांध दिया है ताकि ये हिले ना। ये देखो, तो गाइज इसको लगाने के बाद गाड़ी की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, बिल्कुल 1-1.5 इंच, क्योंकि मेरी गाड़ी काफ़ी बैठ चुकी थी, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा। अभी ओरिजिनल हाइट में आ चुकी है, बॉडी रोल और बाउंसीनेस बिल्कुल गाड़ी में ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल लगा सकते हो।
तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव था क्योंकि ये चीज़ अभी मार्केट में नहीं आई है कुशन बफर, तो मैंने आपको यही बताना था कि आप पहले आता था हमारे शॉकर होते हैं ना, तो उनके ऊपर एक रबड़ सी आती थी वो लगते थे, तो उससे ज़्यादा बेटर ये चीज़ है। आप अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर लगवाना, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी या आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।